हाय एवरीबडी, वेरी गुड मॉर्निंग. जो भी आज मुझे सुन पा रहे हैं, तो आप सभी को एक वार्म वेलकम करती हूँ मैं आज की ट्रेनिंग के अंदर. एंड आज जिस चीज़ के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, फॉरएवर के प्लान के बारे में, फॉरएवर कैसे वर्क करती है, फॉरएवर क्या है, इस अपॉर्चुनिटी को लेकर मैं आपके साथ काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें शेयर करूंगी जो शायद आज से पहले आपने नहीं सुनूंगी, है ना. लाइक आई विल शेयर कि आपको ये अपॉर्चुनिटी का पार्ट क्यों बनना चाहिए, इस इंडस्ट्री का, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का पार्ट क्यों बनना चाहिए, और आप कैसे यहाँ पे एक्सेल कर सकते हैं. थोड़ी सी हम मार्केटिंग प्लान की भी बातें करेंगे. सो आपको सभी को पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ. मेरा नाम मानवी बरेजा और मैं इस सिस्टम के अंदर एज अ सीनियर मैनेजर लेवल पे वर्क कर रही हूँ. और आज मैं आपको इस ट्रेनिंग के थ्रू काफ़ी ऐसी चीज़ें क्लियर करने वाली हूँ जो शायद बहुत स्मॉल लेवल पे आने वाले टाइम में आपको बहुत हेल्प करने वाली है. सो लेट मी शेयर माई स्क्रीन विद यू ऑल. ग्रीटिंग्स सभी को मेरी तरफ से एंड फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की तरफ से. इट्स सेड दैट अ शॉर्ट पेंसिल इज बेटर देन अ लॉन्ग. तो एक शॉर्ट ब्रीफ देने वाली हूँ अगले कुछ 45, 50 मिनट्स या 60 मिनट्स के अंदर मैं आपको इस अपॉर्चुनिटी के बारे में. जो भी ऐसे दोस्त हैं अभी इस बिजनेस के अंदर न्यू है और एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने में कहीं ना कहीं उनको एक अंदर से आ नहीं रहा कि क्या मुझे यहाँ पे काम करना चाहिए, तो डेफिनेटली आज के सेशन के बाद आपका डिसीजन बहुत स्ट्रांग होने वाला है. मैं आप सभी न्यू FBOs के को वेलकम करती हूँ इस ट्रेनिंग के अंदर. अभी हो सकता है शायद आप एक एमेच्योर, अभी आप स्टार्टिंग में अभी एक बिगिनर होंगे, आज अभी आप एक बिगिनर होंगे, बट आई विल मेक श्योर 1 आवर की इस प्रेजेंटेशन के बाद आपको काफ़ी नॉलेज होने वाली है, आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर होने वाली है. यू विल बी मच मोर नॉलेजेबल. आपको फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के मार्केटिंग प्लान, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स एज एन इंडस्ट्री के बारे में भी काफ़ी चीज़ें पता चलने वाली है. आज का जो हमारा सेशन का पर्पस है वो क्या है, टू अंडरस्टैंड अबाउट द बेसिक्स, है ना, और हम किस चीज के साथ इन्वॉल्व हुए हैं, FLP क्या चीज है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स क्या चीज है, और आपको यहाँ पे अपना टाइम क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए. याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे आपको अपनी मनी इन्वेस्ट नहीं करनी, यू हैव टू इन्वेस्ट योर टाइम. और क्यों करना है और कैसे स्टार्ट करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी. आपकी फैमिली का और आपका एक अच्छा फ्यूचर कैसे आप यहाँ पे एक रोड मैप बना सकते हो, कैसे यहाँ पे सक्सेसफुल हो सकते हो. बेसिक्स के बारे में बताऊंगी, वट हैव यू गॉट इन्वॉल्व विद, आप किस चीज का पार्ट बनने जा रहे हो. शायद आपको नहीं पता है बात, बट इट इज द बेस्ट कंपनी इन अ ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री. ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री अगर आप सभी को पता हो तो एक वेलनेस इंडस्ट्री को बोला गया है कि 2025 तक दिस इज गोइंग टू बी अ ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री. आज तक कोई इंडस्ट्री ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री नहीं बनी और वेलनेस की इंडस्ट्री ट्रिलियन डॉलर की बनने वाली है. एंड यू आर बीइंग अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट कंपनी. इंडस्ट्री है एक ऐसी जो ह्यूमंस की दो बेसिक नीड्स पे डेफिनेटली बहुत ज्यादा काम करती है, है ना. एक है जी हेल्थ, दूसरा है वेल्थ. दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. वन विदाउट द अदर हैज नो वैल्यू. एक आपकी लाइफ में लेकिन दूसरा नहीं है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी. एक कंपनी दैट हैज योर इंटरेस्ट एट हार्ट विद, आपका क्यों इंटरेस्ट, आपको क्यों आकर्षित करेगी ये कंपनी, बिकॉज इसके पास बेस्ट प्रोडक्ट्स है, बेस्ट वेलनेस के प्रोडक्ट्स है, और आपको फॉरएवर के साथ जुड़ने के बाद कोई फाइनेंशियल रिस्क नहीं लेगा. क्योंकि अक्सर आप बिजनेसेस के अंदर देखते हैं बहुत ज्यादा फाइनेंशियल रिस्क रहते हैं, जिस वजह से लोग इस बिजनेस को स्टार्ट, किसी भी बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर पाते. लेकिन यहाँ पे दोस्तों आपको कोई फाइनेंशियल रिस्क नहीं रहेगा. ऑल्सो आपकी नेक्स्ट जनरेशन, अलाउ योर हायर्स टू इनहेरिट योर बिजनेस. दिस बिजनेस इज इनहेरिटेबल. आपकी नेक्स्ट जनरेशन को ये बिजनेस इनहेरिट होगा. वट इज फॉरएवर बिजनेस ऑल अबाउट. मैं बात करूं फॉरएवर बिजनेस किस चीज के बारे में है. बिल्डिंग ए लाइफ स्टाइल वाइल हेल्पिंग अदर्स. यहाँ पे आप अकेले कामयाब नहीं होते, आपके साथ बहुत सारे लोग कामयाब होते हैं, आप और लोगों को हेल्प कर पाते हैं. अनटिल एंड अनलेस आप किसी को हेल्प नहीं करेंगे यहाँ पे, डेफिनेटली यू आर नॉट गोइंग टू सक्सीड. बिल्डिंग द बेस्ट पेंशन प्लान फॉर यू एंड योर फैमिली. एक बहुत अच्छी पेंशन प्लान, मतलब इवन आफ्टर आप इस दुनिया में जब नहीं भी रहेंगे उसके बाद भी आपकी फैमिली के लिए एक बेस्ट पेंशन प्लान का काम करने वाला है. द बेस्ट अपॉर्चुनिटी एंड द बेस्ट पॉसिबल टाइमिंग. क्योंकि बेस्ट पॉसिबल टाइमिंग की बात हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 2025 पास आ रहा है, ये इंडस्ट्री ट्रिलियन डॉलर की बनने वाली है और आप बहुत राइट टाइम पे इस इंडस्ट्री को स्टार्ट करने वाले हैं.
हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस, ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक ह्यूमन बींग के लिए, और ये तीनों चीज़ें आपको इस इंडस्ट्री में मिलने वाली है. इट विल चेंज योर लाइफ एंड ऑफ दोज अराउंड यू. आपकी लाइफ तो डेफिनेटली ये चेंज करेगा ही, लेकिन जो लोग आपके क्लोज है, आपकी फैमिली है, उन लोगों को भी बहुत हेल्प करने वाला है. इट विल रिवॉर्ड यू अकॉर्डिंग टू योर एफर्ट्स. आप जितनी मेहनत करेंगे, द मोर यू वर्क द मोर यू विल बी रिवॉर्डेड. आपके जितने ज्यादा अच्छे एफर्ट्स होंगे, उतना ज्यादा अच्छा रिवॉर्ड मिलेंगे आपको यहाँ पे. Why and how you should invest your time in FLP? क्यों करना चाहिए और कैसे हो सकता है? Why? Because there is no other comparable opportunity which is completely risk-free. इसके जैसी कोई भी comparable opportunity market में नहीं मिलेगी आपको. यहाँ पे आपको 24/7 रिस्क नहीं लेना, 24/7 स्ट्रेस टेंशंस वरीज नहीं है, या फिर लाख्स या करोड़ की इन्वेस्टमेंट तो बिल्कुल नहीं करनी. यू विल हैव टाइम टू एंजॉय योर लाइफ. अक्सर लोगों के पास हम बिजनेसेस में देखते हैं, दे हैव मनी बट दे डोंट हैव टाइम. यहाँ पे आपको अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए भी टाइम मिलेगा, अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करने को भी टाइम मिलेगा. इट विल मेक यू हेल्दियर एंड डेफिनेटली वेल्दियर. हेल्दी तो बनाएगा ही, क्योंकि आप वेल्थ हेल्थ इंडस्ट्री के अंदर साथ डील करें, वेलनेस इंडस्ट्री के साथ डील करें, एंड डेफिनेटली आपको वेल्दी भी बनाने वाला है फॉर एवर का मार्केटिंग प्लान. हाउ, ये तो मैंने बताया वाई, क्यों शुरू करना चाहिए. अब मैं आपको बताने लगी हूँ हाउ. हाउ, कैसे स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ पे. यू कैन लर्न वाइल यू अर्न. आप यहाँ पे कैसे अर्निंग्स ले सकते हैं. स्टार्टिंग में आप लर्निंग्स लेंगे. किसी भी काम को बिना सीखे शुरू नहीं किया जा सकता. उसी तरीके से यहाँ पे आप अर्निंग तब तक नहीं ले सकते जब तक आप लर्निंग नहीं लेंगे. तो सबसे पहले आपको इस काम को लर्न करना है. जो भी आपको इस बिजनेस में इंट्रोड्यूस जिन्होंने किया है, आपकी अपलाइन है, आपके सीनियर है, वो आपको यहाँ पे लर्न करने में हेल्प करेंगे, आपको ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करेंगे, आपको नॉलेज प्रोवाइड करेंगे अबाउट द प्रोडक्ट्स, अबाउट फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, अबाउट व्हाट दिस इंडस्ट्री इज अबाउट, अबाउट मार्केटिंग प्लान आल्सो. आल्सो आपको यहाँ पे अपना टाइम इन्वेस्ट करना है हमारे साथ, और आपको फ्री ट्रेनिंग्स मिलेगी हमारी तरफ से. ठीक है जी. बी विलिंग टू लर्न न्यू वेज ऑफ थिंकिंग. यहाँ पे आपको नए तरीके से बिजनेस को एक्सपैंड करने के तरीके सीखने को मिलेंगे, लेकिन ये तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक आपके पास दो चीजें नहीं होंगी. यू शुड बी विलिंग टू हेल्प अदर्स अचीव देयर सक्सेस. जब तक आप किसी और को उनके ड्रीम्स तक पहुंचने में हेल्प नहीं करेंगे, तब तक आप खुद इस चीज को खुद सक्सेसफुल नहीं बन पाएंगे. सेकेंड बहुत बड़ी चीज जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, दैट इज यू शुड बी विलिंग टू ड्रीम बिग विद नो लिमिट्स. आपको एक बहुत बिग ड्रीम करना है. अगर आप बिग ड्रीम नहीं कर पाएंगे तो डेफिनेटली बहुत मुश्किल हो जाएगा यहाँ पे सक्सेसफुल बनना, क्योंकि ये इंडस्ट्री फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स उन लोगों के लिए हु आर बिग ड्रीमर्स, जिन्होंने अपने लिए नो बाउंड्रीज नो लिमिट्स सेट करी है. अब मैं 8 वेज टू अर्न बताने लगी हूँ आपको. 8 ऐसे तरीके, 8 ऐसे इनकम सोर्सेज जो फॉरएवर से आप ले सकते हो. द फर्स्ट वन इज रिटेल प्रॉफिट, है ना. स्टार्टिंग में जब आप नोवस कस्टमर बनते हैं या फिर प्रेफर्ड कस्टमर होते हैं, तो आपको 10% अप टू 10% डिस्काउंट मिलता है प्रोडक्ट्स पे. तो आपको वहां से 10% रिटेल प्रॉफिट बचता है. जब आप असिस्टेंट सुपरवाइजर एंड अबव लेवल पे पहुंच जाते हैं, तब आपको 30% अप टू डिस्काउंट मिलता है. तो ये 30% बहुत बड़ा रिटेल प्रॉफिट बचता है आपको. सेकंड चीज, पर्सनल बोनसेस. पर्सनल बोनसेस आप कैसे ले सकते हैं यहाँ पे. पर्सनल बोनसेस जब आप फ्यूचर में AS लेवल एंड अबव को क्वालिफाई करते हैं, और अपनी ID से कभी भी फ्यूचर में परचेजिंग रहती है, तो उस ID पे परचेज किए हुए जो भी आपने प्रोडक्ट्स परचेज किए, उसका 5% से लेकर 18% तक आपको कैशबैक भी आता है, पर्सनल बोनस भी आता है. ऑल्सो अर्न इंसेंटिव प्रोग्राम्स हैं यहाँ पे. आप कार प्लान लेवल, आपको 20, अभी मैं आपको आगे कार प्लान लेवल के बारे में भी बताऊंगी, काफी सारे अर्न इंसेंटिव प्रोग्राम्स मिलते हैं आपको यहाँ पे. टीम बोनसेस, आपकी टीम जो मेहनत कर रही है, जो एफर्ट्स कर रहे हैं, उसके भी बोनस आपको मिल सकता है यहाँ पे. लीडरशिप बोनसेस, अगर आपकी नीचे मैनेजर्स हैं, आपकी टीम के अंदर मैनेजर्स हैं, और उनकी टीम की जो सेल है, उनकी टीम का जो बिजनेस है, टर्नओवर है, उसका भी प्रॉफिट आपको लीडरशिप बोनस में मिल सकता है. जेम बोनसेस, आने वाले टाइम में जब सेफायर मैनेजर, अगर आप फॉर एवर के अंदर एक लॉन्ग टर्म वर्जन रख के आते हैं, एक सेफायर लेवल मैनेजर, सेफायर मैनेजर लेवल पे जाकर एक बहुत बहुत अमेजिंग जेम बोनस, बहुत बड़ा प्रॉफिट है ये मिलता है आपको. इंटरनेशनल और डोमेस्टिक ट्रैवल डेफिनेटली मिलता है. एंड चेयरमैन बोनसेस, जो कि एक बहुत बहुत बड़ा इंसेंटिव है फॉरएवरलिविंग प्रोडक्ट्स का, इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा, पूरी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा
ईयरली बोनस जो चेयरमैन बोनस देती है वो बहुत बड़े बड़े मिलते हैं यहाँ पे। मोस्ट बिजनेसेस में क्या होता है, मोस्ट बिजनेसेस और उनकी फिलोसफी के अंदर, दे हैव ह्यूज अपफ्रंट कॉस्ट, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कैपिटल स्टार्टिंग में लगती है, रनिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, इलेक्ट्रिसिटी, स्टाफ की सैलरी और बहुत ज्यादा ह्यूज एफर्ट्स लगते हैं। स्टाफ चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, प्रेमिसेस चाहिए, रिसर्च वाले चाहिए, और कोई गारंटी नहीं है कि क्या वो बिजनेस सक्सेसफुल होगा, क्या आप उस बिजनेस के अंदर डेफिनेटली कुछ कर पाओगे या नहीं। 24/7 वरी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत रहती है, जैसे मैंने पहले बताया, बहुत वरीज एंड स्ट्रेस रहता है और बिजनेसेस में। 24/7 कॉम्पिटिशन, कॉन्स्टेंट वरी अबाउट प्रॉफिट्स, कॉम्पिटिशन हर बिजनेस के अंदर है। मार्केट के बिजनेसेस अगर आप देखेंगे तो वहां पे बहुत बहुत ज्यादा मार्केट के अंदर कॉम्पिटिशन मिलते हैं, लेकिन फॉरएवर बिजनेस और इसकी फॉरएवर फिलोसफी क्या है, ये मोस्ट बिजनेस फ्रेंडली प्लान है, बहुत फ्रेंडली है आप सभी के लिए। ओनली आर मिनिमम ऑर्डर टू गेट यू डूइंग, आप एक छोटे से मिनिमम ऑर्डर के साथ, मिनिमम 1,000 की परचेजिंग के साथ इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो, तो डेफिनेटली कोई फाइनेंशियल रिस्क नहीं है, कोई रनिंग कॉस्ट नहीं है, आपको कुछ मेजरली बहुत पैसा नहीं लगाना है यहाँ पे, नो स्टाफ, यू डोंट नीड सो मच ऑफ स्टाफ। आपके साथ जो यहाँ पे लोग जुड़ रहे हैं, आपके नेटवर्क को ज्वाइन कर रहे हैं, वो लोग आपके बिजनेस पार्टनर्स हैं, टीममेट्स हैं, वो आपका स्टाफ नहीं है। ऑफिस स्पेस की जरूरत नहीं है, इक्विपमेंट्स की जरूरत नहीं है, ऑल्सो FLP खुद हैंडल करती है एवरीथिंग रिक्वायर टू रन योर बिजनेस, चाहे वो प्रोडक्ट्स की बात हो, चाहे वो ऑफिस की बात हो, चाहे वो प्रेमिसेस की बात हो, चाहे वो स्टाफ की बात हो, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स खुद सब कुछ हैंडल करती है, और आपको सिर्फ एक ही चीज करनी होती है, लर्न एंड देन अर्न। अब आगे मैं बताने वाली हूँ कि उससे पहले मैं बताती हूँ, बींग फेयर टू ऑल इज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस। यहाँ पे मैटर नहीं करता वेदर यू आर अ बॉय और अ गर्ल, वेदर यू आर 40 और यू आर 20, वेदर यू कम फ्रॉम अ वेरी रिच बैकग्राउंड और यू कम फ्रॉम अ मिडिल क्लास पुअर बैकग्राउंड, इट दिस बिजनेस इज फेयर टू ऑल। यू शुड ऑल्सो पे योर एक्टिव रोल, आपका यहाँ पे एक्टिव रोल क्या रहता है, अपनी डाउन लाइन्स की तरफ यू शुड एनकरेज, है ना, दिस ऑल्सो एनकरेजेस यू टू हेल्प अदर्स, अपना एक्टिव रोल प्ले करेंगे, और जब आपको पता है फॉरएवर एक फेयर अपॉर्चुनिटी है सभी के लिए, तो ये बहुत एनकरेज करेगा आपको यहाँ पे और काम करने के लिए। एवरीवन जॉइंस फॉरएवर एज अ कस्टमर, बट एक ऑर्डिनरी कस्टमर नहीं, एक प्रेफर्ड कस्टमर, एक रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप एक प्रेफर्ड कस्टमर बन जाते हैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के साथ। ये इसका मार्केटिंग प्लान है। फॉरएवर की करेंसी की मैं बात करूं, हमारी हर करेंसी, हर प्रोडक्ट को कुछ पॉइंट्स दिए होते हैं। सीसी, सीसी हमारी करेंसी है, जिसको कहा जाता है क्रेज क्रेडिट्स या फिर कॉमन करेंसी। पूरे वर्ल्ड के अंदर कहीं भी किसी भी कंट्री की बात करें तो वहां पे हर प्रोडक्ट की एक सीसी वैल्यू मिलेगी आपको। इंडिया की अगर मैं बात करूं, ये पुराना एग्जाम्पल है, बट इंडिया की अगर मैं बात करूं, जैसे इनका बेसिक प्रोडक्ट एलोवेरा जेल है, तो एलोवेरा जेल कैरी करती है 102 पॉइंट्स, 0.102 सीसीस। तो जब ऐसे ही पॉइंट्स 102, 105, ऐसे अलग अलग प्रोडक्ट के पॉइंट्स एड अप होते हैं आपकी 12 डिजिट ID के अंदर, दैट विल मेक 1 CC। स्टार्ट करते हैं आप एक कस्टमर की तरह, आप प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, एंड इफ यू लाइक द प्रोडक्ट्स यू विल शेयर देम विद योर नियर एंड डियर वंस। और जैसे ही आप स्टार्टिंग के अंदर 2 CC का बिजनेस करके दिखाते हैं, 2 CC का बिजनेस एक्यूमुलेट करते हैं विद इन एनी 2 मंथ्स, कंपनी आपको नेक्स्ट लेवल पे अपग्रेड करती है, जिसका नाम है असिस्टेंट सुपरवाइजर। उसके बाद जब आप असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे आते हैं, यू स्टार्ट मेकिंग योर टीम, आप अपने नेटवर्क को बिल्ड करना स्टार्ट कर सकते हो, और आपकी टीम के सीसीज भी अब आपके ही सीसीज है। जब आप और आपकी टीम मिलके तकरीबन 25 CC का बिजनेस करके दिखाते हैं, तो आप बन जाते हैं सुपरवाइजर, और आप ही की टीम के अंदर जब 3 लोग, आपकी टीम में से सिर्फ 3 लोग सुपरवाइजर बन के दिखाते हैं, तो 25 × 3 = 75 CC, और आप प्रमोट हो जाते हैं नेक्स्ट लेवल पे, दैट इज असिस्टेंट मैनेजर। उसके बाद जब आपकी टीम के अंदर 3 सुपरवाइजर्स हैं, उनमें से सिर्फ 2 लोग अपना असिस्टेंट मैनेजर लेवल कंप्लीट करते हैं, तो आपके टोटल होते हैं 150 CC, बट 120 CC पे ही कंपनी आपको न्यू लेवल अलॉट करती है, दैट इज मैनेजर लेवल, जो कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अंदर हर किसी का ड्रीम लेवल है। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है, सभी पोजिशन, सभी लेवल्स परमानेंट है एज लॉन्ग एज यू आर एक्टिव। आपको कभी भी जीरो से रीस्टार्ट नहीं करना होगा। अक्सर आप नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज के अंदर देखते होंगे कि अगर एक बार आप मैनेजर लेवल या एक हाईएस्ट लेवल पे पहुंच जाते हो, तो उस लेवल को बार बार आपको मेंटेन करना पड़ता है, वरना आपको लेवल से डिग्रेड कर दिया जाता है। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, आपको 2 मंथ्स मिलेंगे, 2 कंसेक्यूटिव मंथ्स मिलेंगे आपको टू मूव अप, टू लेवल अप,
है ना, बाय एक्यूमुलेटिंग योर सीसीज. नहीं तो बिजनेसेस में या जॉब्स में 1 month का टर्नओवर चेक किया जाता है, यहाँ पे यू गेट 2 consecutive months. दी सी सी कैन ऑल्सो कम फ्रॉम अदर कंट्रीज, और कंट्रीज में से भी आ सकते हैं, बट दे विल नॉट बी इंक्लूडेड इन योर डोमेस्टिक सी सी काउंट, वे काउंट नहीं होंगे. ये मूव अप पर्पसेस के लिए ही काउंट हो सकते हैं. ऑल्सो जैसे अगर आपके सी सीज डिफरेंट कंट्रीज के अंदर डले हैं, से फॉर एग्जाम्पल आई एम सिटिंग राइट नाउ इन इंडिया और मेरी टीम के अंदर किसी के सी सीज कैनेडा के अंदर डले हैं, तो एवरी 15th ऑफ द मंथ, नेक्स्ट मंथ की 15th के बाद वो सी सीज मेरे बिजनेस में, ऑनलाइन बिजनेस में अपग्रेड होंगे. ठीक है ना, तो उसके लिए डीप में आप कंपनी पॉलिसी को रेफर कर सकते हैं ताकि आपको और डीप में क्लैरिटी हो सके. मैं बात करूं पर्सनल डिस्काउंट की, तो जैसे मैंने आपको फर्स्ट बताया था रिटेल प्रॉफिट, कंपनी प्रेफर्ड कस्टमर लेवल पे हमारे को 10-15% अप टू 15% तक पर्सनल डिस्काउंट देती है, जिसका हम काफी ज्यादा फायदा उठा सकते हैं. एंड असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल से लेकर मैनेजर लेवल फ्यूचर तक आप 30% पर्सनल डिस्काउंट ले सकते हैं. ठीक है जी. उसके बाद में पर्सनल बोनस, जो मैंने सेकंड इंसेंटिव की बात करी थी, सेकंड तरीके की इनकम की मैंने बात करी थी, वो था पर्सनल बोनस. असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे यू गेट 5% पर्सनल बोनस, 5% कैशबैक लगा सकते हैं आप इसको. सुपरवाइजर लेवल पे यू गेट 8% पर्सनल बोनस, असिस्टेंट मैनेजर पे यू गेट 13% एंड मैनेजर लेवल पे यू आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट 18% ऑफ द पर्सनल बोनस. As your network grows, so will your volume bonuses. आपकी जैसे जैसे network grow करेगा तो आपकी teams में से, मैंने आपको पहले भी बताया, आपकी team जो efforts करेगी उसका भी आप पैसा ले सकते हैं, आप उस volume का भी money ले सकते हैं, उस volume आपकी team के efforts की भी volume आपको मिलेगी. तो अगर आप supervisor है और आप supervisor पे अगर बात करें business को refer करने की volume bonus की, तो supervisor, एक supervisor 23% commission पे रहता है और एक असिस्टेंट सुपरवाइजर 28% कमीशन पे रहता है, तो दोनों का डिफरेंस बना 3%. तो एक सुपरवाइजर को एक असिस्टेंट सुपरवाइजर के बिजनेस का 3% आएगा. उसी तरीके से एक असिस्टेंट मैनेजर लेवल होता है 28% पे और सुपरवाइजर है 23% पे और असिस्टेंट सुपरवाइजर है 20% पे. 28 - 20 बना 8%. तो एक असिस्टेंट मैनेजर को असिस्टेंट सुपरवाइजर से आएगा जी 8%. उसी तरीके से असिस्टेंट मैनेजर को सुपरवाइजर से आएगा 5%, 28 - 23%. अगर एक मैनेजर लेवल पे कोई इंसान है तो असिस्टेंट मैनेजर है 28% पे, सुपरवाइजर है 23% पे, असिस्टेंट सुपरवाइजर है 20% पे और मैनेजर खुद है 33% पे. तो मैनेजर को असिस्टेंट सुपरवाइजर से कितना आएगा, 33 - 20 13%. सुपरवाइजर से कितना आएगा, 33 - 23 10%. और मैनेजर को असिस्टेंट मैनेजर से कितना परसेंटेज आएगा, 33 - 28 दैट इज 5%. इस तरीके से आपको अपनी टीम्स में से भी वॉल्यूम लेने का मौका मिलता है. दिस इज अ ब्रीफ ओवरव्यू. मैं आपको बहुत छोटे लेवल पे एक ओवरव्यू दे रही हूँ आप हमारा मार्केटिंग प्लान के लिए. आप प्लीज फ्यूचर में मार्केटिंग प्लान जब ट्रेनिंग लगाएंगे, आपके सारे क्वेश्चन सारे डाउट्स और क्लियर होंगे. ऑल्सो मैंने जो आपको एक अर्न्ड इंसेंटिव प्लान बताया था, कार प्लान, उसके बारे में अब मैं बताने वाली हूँ आपको. इस लेवल को करने के लिए आपको 3 consecutive months के सीसी देखे जाते हैं, लाइक जनवरी, फरवरी, मार्च, फरवरी, मार्च, अप्रैल या मार्च, अप्रैल, मई. इस तरीके से 3 consecutive लगातार महीनों का बिजनेस चेक किया जाता है. लेवल वन अगर आप करना चाहते हैं तो अगर फर्स्ट मंथ में आपके 50 CC हुए हैं, सेकेंड मंथ में 100 CC हुए हैं और थर्ड मंथ के अंदर 150 CC हुए हैं, तो आप लेवल वन कार प्लान के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं. लेवल वन कार प्लान के बाद आपको एक एक्स्ट्रा इंसेंटिव अपनी इनकम के अलावा आता है, 26,000 rupees. लेवल टू की मैं बात करूं, वही 3 consecutive months में अगर आपका 75 CC, 150 CC एंड 225 CC आते हैं, तो वो इंसेंटिव आपको अप्रोक्सीमेटली 39,000 rupees का एक्स्ट्रा इंसेंटिव आपके अकाउंट में आपके बोनस के साथ, मंथली बोनस के साथ एड ऑन होकर आता है. लेवल थ्री की मैं बात करूं, 100 CC, 200 CC एंड 300 CC, जब 3 consecutive months में आप इतने CC कर जाते हो तो आप लेवल थ्री कार प्लान के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं, जिसके बाद आपको इंसेंटिव आता है 52,000 rupees पर मंथ. और ये आपको एक मंथ नहीं मिलेगा, दिस विल कंटिन्यूसली कम इन टू अकाउंट फॉर 36 months, दैट इज 3 years, जो कि लेवल वन में बनती है 9,36,000 rupees, लेवल टू में अप्रोक्सीमेटली 14,04,000 rupees बनता है और लेवल थ्री के अंदर 18,72,000 rupees बनता है. अगर आपको
अगर आपको किसी मंथ लेवल 150 सीसीज या आप अपना कार प्लान करने के बाद नेक्स्ट लेवल मंथ आप उनको उस अपने सीसी उतने बिजनेस को मेंटेन नहीं कर पाते, तो डोंट वरी, आपका इंसेंटिव वापस नहीं लेती कंपनी, पर वन सीसी, हर एक सीसी के लिए 173 रुपीज इस इंसेंटिव में से डिडक्ट हो जाते हैं। से फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने जनवरी फेब्रुवरी मार्च 3 महीने में एक्यूमुलेट करके अपना कार प्लान लेवल वन कर लिया और आपको 26,000 आना था, लेकिन अप्रैल के अंदर आपके 150 की जगह 140 सीसीज आपका बिजनेस हुआ, आपके इंसेंटिव में से डिडक्ट होंगे, सारा डिडक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट मैं बात करूं ट्रैवल इंसेंटिव्स के बारे में, 3 हॉलीडे इंसेंटिव्स मिलती हैं आपको, 2 इंटरनेशनल 1 नेशनल। सबसे पहला जो नेशनल रहता है वो हमारा मैनेजर्स रिट्रीट होता है, सिल्वर गोल्ड प्लस, बट अभी अपडेट हो चुका है 2020 के अंदर, जो हमारा मैनेजर्स रिट्रीट है वो सिर्फ मैनेजर नहीं लेकिन एक असिस्टेंट सुपरवाइजर भी क्वालिफाई कर सकता है। उसके 3 लेवल्स होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। वो डोमेस्टिक ट्रिप रहता है, दैट इज अ सरप्राइज हम सभी के लिए जो जा भी रहे होते हैं उनके लिए भी सरप्राइज रहती है वो लोकेशन। ईगल मैनेजर रिट्रीट होती है, ये इंटरनेशनल ट्रिप रहता है, अप्रॉक्सिमेटली सितंबर अक्टूबर के अराउंड ये ट्रिप मिलता है। और तीसरा ग्लोबल रैली, दैट इज एन इंटरनेशनल इवेंट जो कि अप्रैल में रहता है, वहां पे चेयरमैन बोनसेस भी डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और वर्ल्ड वाइड लोग वहां पे पहुंचे होते हैं ग्लोबल रैली के लिए। मोर इन्फॉर्मेशन आपको मार्केटिंग प्लान ट्रेनिंग्स में दी जाएगी और आपको अब मैं ये बताने वाली हूँ किस तरीके से आप 5 रूल्स टू सक्सेस, आपके कौन से वो 5 रूल्स है सक्सेस के लिए, आपको वो 5 चीजें क्या चाहिए फॉरएवर के अंदर सक्सेसफुल होने के लिए। तो सबसे पहली चीज जो है आपकी जो रेसिपी है, मैं स्टार्ट करने लगी हूँ रूल नंबर 1 से, दैट इज अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंड क्या करना है, प्रोडक्ट्स को यूज कीजिए, आपको प्रोडक्ट्स के बारे में अंडरस्टैंडिंग होगी। कंपनी पॉलिसी को रीड कीजिए, आपको कंपनी के बारे में नॉलेज होगी। ट्रेनिंग्स लीजिए ताकि आपको मार्केटिंग प्लान और इस इंडस्ट्री के बारे में और नॉलेज होगी। बुक्स पढ़िए, बहुत ब्यूटीफुल अच्छी अच्छी लिटरेचर मिलता है फॉरएवर का और इस इंडस्ट्री के लिए भी जो आपको बहुत हेल्प करने वाला है। बुक्स पढ़िए और जितना इंटरनेट पे अपनी सेल्फ स्टडी हो सकती है आप कर सकते हैं इस इंडस्ट्री के बारे में। ऑल्सो www.foreverliving.com हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स FLP 360 हमारी एक मैनेजर्स एंड अबव के लिए बहुत अच्छी एप्लीकेशन है। एंड बिकम अ स्पॉन्ज, आप जो एब्जॉर्ब करेंगे अपने अंदर वही आप बाहर देंगे। अगर आप नॉलेज एब्जॉर्ब करेंगे, अंडरस्टैंडिंग एब्जॉर्ब करेंगे, तो डेफिनेटली अपनी डाउनलाइंस को भी वही बाहर देंगे। तो रूल नंबर 1 वॉज अंडरस्टैंडिंग। रूल नंबर 2, आपको सक्सेस होने के लिए यहाँ पे क्या चाहिए, दैट इज बिलीफ। बिलीफ किस चीज पे होना चाहिए जी, सबसे पहले इस इंडस्ट्री पे नेटवर्क मार्केटिंग को लेके, मार्केट के अंदर अभी लोगों को इतनी नॉलेज नहीं है, बट दिस इज गोइंग टू बी द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी। नेटवर्क मार्केटिंग पे बिलीफ रखिए, फॉरएवर के प्रोडक्ट्स पे बिलीफ रखिए कि ये प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे होने वाले हैं और जब आप ट्राई करेंगे तो आप डेफिनेटली बोलेंगे कि ये प्रोडक्ट्स बहुत पावरफुल है। आपको फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स पर भी विश्वास रखना है, हमारे पे भी विश्वास करना है और सबसे इंपॉर्टेंट तो है अपने ऊपर विश्वास कीजिए। अगर आपका विश्वास अपने ऊपर नहीं है तो ऊपर वाली 3 चीजें कोई वैल्यू नहीं रखती है ना। यू शुड बिकम द प्रोडक्ट। आप फॉरएवर के इतने प्रोडक्ट्स यूज कीजिए ताकि आप खुद चलता फिरता एक प्रोडक्ट बन जाए, आप इतने अच्छे से किसी को प्रोडक्ट के बारे में रेकमेंड कर सके। रूल नंबर 3 इज कमिटमेंट। कमिटमेंट किस चीज की होनी चाहिए, दैट यू शुड शो, टीच एंड ट्रेन। आपको अपनी टीम्स को शो करना है कि देखिए काम इस तरीके से किया जाता है, फिर उनको टीच करना है कि वो भी कैसे करे और आगे उनको ट्रेन करना है ताकि वो भी उस चीज में मास्टर बन सके। एवरी प्रेफर्ड कस्टमर और एवरी एफबीओ फैमिली टू कंज्यूम एटलीस्ट 4 जेल्स पर मंथ। आपको ट्रेन करना है अपनी टीम्स को कि आप हर महीने अपनी फैमिली के अंदर 4 जेल्स मिनिमम एलोवेरा तो आप कंज्यूम करें। आप जितना कंज्यूम करेंगे आप उतना ज्यादा शेयर करेंगे, आप जितना कम कंज्यूम करेंगे आप उतना ही कम शेयर करेंगे। सो सेल्फ कंजम्पशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। उसके बाद कमिटमेंट के अंदर और चीजें क्या आती है, किस चीज की कमिटमेंट होनी चाहिए, दैट आई विल डिवोट टाइम इन दिस अपॉर्चुनिटी। सिर्फ साइन अप करना जरूरी नहीं है, रजिस्ट्रेशन करना जरूरी नहीं है, यू शुड गिव योर टाइम हियर। आपको इस अपॉर्चुनिटी को टाइम देना, मैंने स्टार्टिंग में भी बात करी, यू हैव टू डिवोट योर टाइम नॉट योर मनी, आपको यहाँ पे टाइम देना है। दूसरी चीज आपने क्या करनी है, यू हैव टू डू एवरी मंथ स्पॉन्सरिंग न्यू लोगों को इस बिजनेस में, डेफिनेटली लाइन न्यू लोगों से, नए लोगों से इस बिजनेस के बारे में जरूर शेयर करें। हर मंथ आप खुद स्पॉन्सरिंग करें, अपने ग्रुप, अपनी फैमिली
है ना, उन सभी से आपको एक कमिटमेंट करनी है। आप अपनी टीम्स को लेकर एक कमिटमेंट करें कि यस मुझे इनको भी आगे लेके जाना है, मुझे अपने आप को भी आगे लेके जाना है, और अपनी फैमिली से भी कमिटमेंट करें कि आप उनके और अपने ड्रीम्स भी इस इंडस्ट्री से, इस प्लेटफॉर्म से पूरे करेंगे। एक लर्निंग एटीट्यूड रखना है, क्योंकि यू विल नेवर अर्न अनटिल एंड अनलेस यू लर्न। 1 ईयर आप दीजिए राइट थिंग्स करिए, है ना, 1 ईयर टू डू द राइट थिंग देन डूइंग इट राइट। फर्स्ट ईयर आप चीजों को समझते हैं, देखते हैं, सीखते हैं, और फिर आपको धीरे धीरे चीजें रिजल्ट्स मिलने लगते हैं फॉरएवर से, रिवॉर्ड्स मिलने लगते हैं फॉरएवर से। फोर्थ रूल की मैं बात करूं, दैट इज एक्शन। लर्निंग तब तक काम की नहीं है जब तक एक्शन नहीं लिया जाएगा। सो एक्शन कैसा होना चाहिए? MAP, मैसिव एक्शन प्लान लेना बहुत जरूरी है। जब तक एक्शन नहीं होगा तब तक बिजनेस नहीं होगा। स्टेइंग फोकस्ड इन रिटेलिंग, हर मंथ आपने प्रोडक्ट्स रिटेल करने हैं, शेयर करने हैं, स्पॉन्सर करने हैं, न्यू दोस्तों को इस बिजनेस में लाना है, टीचिंग अदर्स और लोगों को, अपनी टीम को टीच करना है इस बिजनेस के बारे में, डेफिनेटली उनके अंदर एक लीडरशिप स्किल डेवलप करना है। लीडर्स अगर आप खुद होंगे तभी आप अपनी टीम्स को भी लीडर्स बना सकेंगे। Do not neglect the ones you have sponsored. Never forget, आप भूलिए मत जिन लोगों को आप इस बिजनेस में ज्वाइन करा रहे हैं, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको सक्सेसफुल करना, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको टीच करना, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको हाथ पकड़ के इस बिजनेस के अंदर कहीं अच्छे लेवल पे लेके जाना। Always help and nurture them. हमेशा अपनी डाउनलाइंस को बेबीज की तरह, अपने बच्चों की तरह ट्रीट कीजिए, उनको नर्चर कीजिए, उनको सिखाइए, उनको हेल्प कीजिए। मेक देम बेटर देन यू, सबसे ब्यूटीफुल बात है इस बिजनेस की। आप कहीं भी मार्केट में, बिजनेसेस में जाइए, कोई आपको अपने बिजनेस के टैक्टिक्स नहीं सिखाएगा, लेकिन फॉरएवर की एक अपलाइन होती है जो अपनी डाउनलाइन को अपने से भी बेटर बनता देखना चाहती है। अगर उनकी किसी की अपलाइन 1 लाख कमा रही है तो अपनी डाउनलाइन को बोलती है कि तू 1.5 लाख कमा। यहाँ पे अपलाइन अपनी डाउनलाइन को अपने से बेटर करता देखना चाहती है। एंड रूल नंबर 5 इज एनालाइज रिजल्ट। एक्शन लिया उसके बाद ईच एक्शन विल प्रोड्यूस अ रिजल्ट डेफिनेटली। तो वो रिजल्ट या येस हो सकता है या नो। एक कस्टमर के साथ यू स्पॉन्सरिंग, आप किसी की करना चाह रहे हैं, किसी को बिजनेस इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो या तो येस आएगी या नो आएगी। बोथ रिजल्ट्स आर गुड, दोनों गुड है। अगर येस आएगी तो अच्छी बात है, कोई बिजनेस के अंदर जुड़ रहा है। अगर नो आएगी तो वो आपको लर्निंग देके जाएगी। दोनों को एनालाइज कीजिए कि आपने कहाँ गलती करी है, और अगर येस मिल रही है तो क्या ऐसा अच्छा किया, और फ्यूचर में भी उस चीज को यूज कीजिए। सीक्रेट इंग्रेडिएंट क्या है? ये 5 रूल्स तो डेफिनेटली है, बट एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट जिसके बिना फॉरएवर की डिश अधूरी है, वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट अब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। दैट इज अ बर्निंग डिजायर। मैंने बोला था जी आपके पास 2 चीजें होनी चाहिए, और लोगों को हेल्प करें आप, और अगर आपके पास एक खुद अंदर नो लिमिट्स वाली चीज नहीं है, एक बर्निंग डिजायर अगर आपका लैक कर रहा है, अगर एक बर्निंग डिजायर आपके अंदर नहीं है, तो आप इस बिजनेस के अंदर सक्सेस नहीं ले पाएंगे। आपकी बर्निंग डिजायर होनी बहुत बहुत जरूरी है इस बिजनेस में। द वर्ल्ड डिपेंड्स ऑन योर डिजायर्स। आर योर ड्रीम्स एंड डिजायर्स बिग इनफ? आप फॉरएवर से क्या ले सकते हैं, जो आप ड्रीम कर सकते हैं, जो आप डिजायर कर सकते हैं, और उसके लिए आपको काम करना है। अब यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ व्हाट टू डू नेक्स्ट। अब आज आपने रजिस्ट्रेशन कर ली हमारे साथ बिजनेस की, ठीक है, आपने क्या करना है, एक लर्निंग एटीट्यूड डेवलप करना है, लर्न करना है। ये नहीं बोलना कि मुझे आता है, मुझे इस इंडस्ट्री के बारे में पता है। आपको लर्निंग एटीट्यूड के अंदर आना होगा, आपको लर्न करना होगा, अंडरस्टैंड फुली व्हाट इज ऑन ऑफर, आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे, अटेंड फॉलोइंग ट्रेनिंग्स जितनी ज्यादा हो सके। ये 4 ट्रेनिंग्स बार 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 अटेंड कीजिए। नंबर 1 इज BOPP, जिसे मैं आपके साथ स्टार्टिंग में, जिन्होंने आपको प्रेजेंटेशन दिखाई होगी, प्रेजेंटेशन के अंदर फॉरएवर लिंक प्रोडक्ट्स का ओवरव्यू दिया होगा, नेटवर्क मार्केटिंग का ओवरव्यू दिया होगा, तो वो जितनी हो सके। सेकेंड है न्यू FBO ट्रेनिंग्स, जो ट्रेनिंग मैं आज आपको दे रही हूँ, जिसके अंदर मैं बता रही हूँ आपको आप कैसे इस बिजनेस को कर सकते हो। फिर मैं आपको बता रही हूँ वेरियस प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स, प्रोडक्ट ट्रेनिंग जितनी हो सके, क्योंकि जितना स्ट्रांग आपको प्रोडक्ट की नॉलेज होगी, उतना ही स्ट्रांग आपका बिजनेस यहाँ पे आप डेवलप कर सकते हैं। मार्केटिंग प्लान, अगर आपको खुद नहीं पता होगा लेवल्स के बारे में, इनकम्स के बारे में, परसेंटेजेस के बारे में, तो डेफिनेटली अपनी डाउनलाइंस को भी टीच नहीं कर पाएंगे। तो जितना ज्यादा हो सके आप मार्केटिंग प्लान की ट्रेनिंग लें, और आज
आज नहीं, मतलब धीरे धीरे आप क्या कीजिए, ट्रेनिंग्स लगाने के बाद एक कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाइए, एटलीस्ट 100 नेम्स, मिनिमम 100 नेम्स की तो आप एक कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाइए मिनिमम, और मैक्सिमम आपके ऊपर डिपेंड है आप कितनी बनाना चाहते हैं। यू वॉन्ट टू काउंट मेकअप मेक इट अप टू 200, 300, 350, 400, इट डिपेंड्स ऑन यू, बट एटलीस्ट आपके पास एक 100+ की कॉन्टैक्ट लिस्ट होनी चाहिए जिनके साथ आप इस बिजनेस को शेयर करना चाह रहे हो। अच्छा, वो कॉन्टैक्ट व्हील में कौन आता है, हमारे कॉन्टैक्ट लिस्ट कैसे बनती है? स्टार्टिंग फ्रॉम पेरेंट्स, पेरेंट्स हम अपने पेरेंट्स को और उनके फ्रेंड्स को इस चीज के बारे में जरूर शेयर करें, अपने पेरेंट्स को जरूर जरूर बताएं इस बिजनेस के बारे में, अच्छे से एक्सप्लेन करें, एक BOPP अटेंड करवाएं चाहे उनको, और उनके भी फ्रेंड्स हैं उनको आप लिस्ट के अंदर राइट डाउन कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स और उनके फ्रेंड्स को लिस्ट में। रिलेशंस के अंदर आपके ब्रदर, सिस्टर, आंट, अंकल, कजन्स, अगर आप मैरिड हैं, इन-लॉज, हमारे बहुत सारे आंट्स होते हैं, हमारे बहुत सारे अंकल्स होते हैं, हमारे बहुत सारे कजन्स होते हैं, आप उनको सभी को अपनी लिस्ट में ऐड करिए। डोंट प्री जज, आप सिर्फ उनको लिस्ट में ऐड कीजिए। नेबर्स, फ्लैटमेट्स हो सकते हैं, पीपल इन योर स्ट्रीट, पीपल नियर बाय जो आपके घर के पास रहते हैं, प्रोफेशनल सर्विसेज जिनसे आप रेगुलरली प्रोफेशनल सर्विसेज लेते हो, जैसे कि डॉक्टर्स, डेंटिस्ट, टीचर्स, अकाउंटेंट्स, उन लोगों को भी आप अपनी लिस्ट में ऐड कर सकते हो। आपने अगर कहीं पे पहले प्रीवियसली जॉब करी है तो वहां के कलीग, सेक्रेटरीज, या फिर किसी को आपने इंटरव्यूज दिए से अगर आप कांटेक्ट में है, या और एम्प्लॉयज हैं तो आप उन लोगों का नाम भी लिस्ट में लिख सकते हैं। ट्रैवल, अगर आप हॉलीडेज पे जाते हैं या कहीं पे रेगुलरली ट्रैवल करते हैं, या आपके पास उन लोगों के फोन में फोन लिस्ट में कॉन्टैक्ट लिस्ट में नंबर है, आप उनको भी कॉन्टैक्ट लिस्ट में ऐड कीजिए। यू नेवर नो कौन इस बिजनेस को स्टार्ट कर लेगा। आप अपने स्पाउस को, बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड है या फिर, उनके आगे नेटवर्क के अंदर, उनके आगे सर्कल, सोशल सर्कल के अंदर पीपल दे नो, हो सकता है आपके हस्बैंड, वाइफ या बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड को भी आगे उनका भी एक सर्कल हो, उन लोगों को भी आप अपनी लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। कम्यूटिंग, कभी आप कहीं जा रहे हैं, आप प्लेन से ट्रैवल कर ले, यू मीट अ लॉट ऑफ पीपल इन प्लेन, यू मीट अ लॉट ऑफ पीपल इन ट्रेन, आपको ट्रेन में बहुत सारे लोग मिलते हैं, बसेस में कितने ज्यादा लोग मिलते हैं, हम टैक्सीज में जाते हैं कभी कभी, हम टैक्सी शेयर करते हैं किसी के साथ, वहां पे हमें लोग मिलते हैं, अगर टैक्सी शेयर नहीं कर रहे तो आपको ड्राइवर से बात करने का मौका मिलता है ना, तो उन लोगों को भी आप अपनी लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। सोशल, सोशल का मतलब जहां पे आप सोशल प्लेसेस पे जाते हैं, आपकी कोई हॉबी है, स्विमिंग है, क्रिकेट है, बैडमिंटन है, आप प्ले करने जाते हैं, आप डांस क्लास जाते हैं, आप जिम जाते हैं, तो उन हॉबीज वाली जगह पे भी आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे। स्पोर्ट्स अगर आप खेलते हैं, पब्स, पार्टीज में अगर आप जा रहे हैं, वहां पे यू विल गेट टू मीट अ लॉट ऑफ पीपल। इवनिंग क्लासेस में जाते हैं या फिर इवन वेडिंग्स में भी जाते हैं तो आपको वहां पे बहुत आगे कजन कजन रिलेटिव्स मिलने वाले हैं, तो उस सोशल सर्कल को भी डेफिनेटली कॉन्टैक्ट लिस्ट के अंदर एड अप कीजिए। सर्विसेज, जब आप किसी से सर्विसेज लेते हैं, प्लम्बर्स, इलेक्ट्रिशियन, शॉपकीपर, सेल्समैन, हमेशा हम लोग अपने कॉस्मेटिक्स या फिर अपने कपड़े या फिर अपने घर का सामान, अपने अपनी स्टेशनरी किसी शॉप से लेने जाते हैं, उस शॉप वाले पर्सन को भी जरूर कॉन्टैक्ट लिस्ट में ऐड कीजिए। उसके बाद क्या करना है, व्हाट नेक्स्ट, गेट टुगेदर विद योर अपलाइन कोच, है ना, आप अपनी अपलाइन कोच के साथ बैठिए कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाने के बाद, और उनसे उनसे पूछिए, उनके साथ बैठ के डिसाइड कीजिए कि नेक्स्ट 6 मंथ का प्लान क्या होना चाहिए, है ना। अगर आप अपनी अपलाइन को कोई रीजन से नहीं पहुंच पा रहे, आपकी अपलाइन आपको नहीं मिल पा रही, या बात नहीं कर पा रहे, या उनके साथ आप डिसाइड नहीं कर पा रहे अपने मास एक्शन प्लान को, तो आप इन 3 बुक्स को डेफिनेटली रेफर कर सकते हो। द फर्स्ट वन इज फर्स्ट स्टेप्स टू मैनेजर, ये आपको बहुत अच्छे से हेल्प करेगा किस तरीके से कस्टमर्स को मैनेज करना है, किस तरीके से आपने न्यू कॉन्टैक्ट्स ऐड करने हैं, जो आपकी ज्वाइनिंग्स हो रही है, न्यू डाउनलाइंस है, उनको किस तरीके से मैनेज करना है, उनके क्या प्लस पॉइंट्स हैं, उनके साथ कैसे क्या चीज शेयर करनी है, कितने लोगों की कितनी मीटिंग कब करनी है, सारा कुछ फर्स्ट स्टेप्स टू मैनेजर बुक में लिखा हुआ। द अपलाइन बुक, योर अपलाइन बुक के अंदर आपको अपलाइन का रोल क्या होता है वो सारी चीजें समझाई हुई है, कैसे आपकी अपलाइन आपको गाइड करेगी वो सारी चीजें लिखी हुई है, और द सक्सेस लिंक, 3 लिटरेचर को आप रेफर कर सकते हो। उसके बाद गुड हैबिट्स एंड कल्चर डेवलप करना बहुत बहुत जरूरी है। दिस इज अ प्रॉपर बिजनेस, ये कोई एक कंपनी या एक कोई स्कीम नहीं है, ये बहुत जेन्युइन प्रॉपर प्रोफेशनल बिजनेस है। यू मस्ट हैव प्रॉपर प्रैक्टिसेस, एथिकल बिजनेस करें, ऑब्जेक्टिव्स, प्लान्स एंड टारगेट्स जरूर पढ़े कंपनी को, कि कंपनी किस तरीके की प्रैक्टिस को लीगल कंसीडर करती है, ठीक है ना। जल्दी ऊपर चढ़ने के चक्कर में कुछ गलत प्रैक्टिसेस करके ना पहुंचे आप आगे, वो फ्यूचर में लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉब्लम देगी। स्टार्ट अर्निंग वाइल लर्निंग, आपको मैंने बताया है, ब्रिंग योर प्रोस्पेक्ट्स टू BOPP, उनको बिजनेस प्लान से इंट्रोड्यूस कीजिए। डू नॉट ब्रिंग चिल्ड्रन इन प्लास्टिक बैग्स, यूजलेस लोगों को, जो शॉर्ट टर्म विजन वाले लोग हैं या फिर
कोई सीरियस नहीं है अपनी लाइफ के अंदर, उन लोगों को इस बिजनेस में ना लाए. एंड अंडर 18 लोगों को बिल्कुल 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 भी ना लाए, नॉट जस्ट इन द आईज ऑफ फॉरएवर बट इन द आईज ऑफ लॉ वो इलीगल है. ब्रिंग कीप योर मोबाइल्स ऑफ जब आप बिजनेस कर रहे हैं, जब आप किसी को बिजनेस प्लान शो कर रहे हैं तब अपने मोबाइल को साइलेंट या ऑफ करके रखें ताकि वो आपको डिस्ट्रैक्ट ना करे. अगर किसी को आप ज्वाइनिंग करवा रहे हैं, किसी को FB एप्लीकेशन फिलअप कर रहे हैं, उनको पहले जरूर पूछे कि क्या कभी आपने फॉरएवर लिंक प्रोडक्ट्स का फॉर्म पहले फिल किया. अगर उन्होंने पहले फिल किया हुआ है तो आप प्लीज़ उन पर टाइम वेस्ट ना करें, ना अपना ना उनका टाइम वेस्ट करें. उनको बोलें थैंक यू अगर आप जिनके साथ आपने पहले फॉर्म साइन अप किया उनके साथ आप कंटिन्यू कर सकते हैं. उसके बाद आपने क्या करना है, यू हैव टू डुप्लीकेट एप्लीकेशंस आर नॉट अलाउड इन FLP. डुप्लीकेट एप्लीकेशन मतलब एक इंसान की दो एप्लीकेशंस अलाउड नहीं है. अगर डिस्कवर किया जाता है लेटर कि हाँ ऐसे डुप्लीकेट एप्लीकेशंस है, जो फर्स्ट ओरिजिनल स्पॉन्सर था वहीं पे आपका सारा आपकी डाउनलाइन का सारा बिजनेस ट्रांसफर हो जाएगा. एफर्ट्स आपके, मेहनत आपकी, आपने सेकंड टाइम उसकी ज्वाइनिंग कराई लेकिन जब फ्यूचर में पता चलेगा तो सारा का सारा उठ के बिजनेस वहीं पे चला जाएगा जहां पे उनका पहले ज्वाइनिंग हो रखी है. योर एक्टिव अपलाइन इज लाइफ लॉन्ग, याद रखिएगा जिनके साथ आपने बिजनेस शुरू किया है वो आपके साथ लाइफ लॉन्ग है, है ना. एक बार आपने किसी के साथ रजिस्टर कर लिया तो आप दोबारा उनको अपनी अपलाइन को चेंज नहीं कर सकते, स्पॉन्सर चेंज नहीं कर सकते. द प्रोडक्ट्स को लेकर कोई भी मेडिकल क्लेम्स ना लगाए. दीज प्रोडक्ट्स आर जस्ट न्यूट्रिशन. ये प्रोडक्ट्स न्यूट्रिशन है जो आपकी बॉडी की डेफिशिएंसीज को, आपकी बॉडी के अंदर रेगुलरली विटामिन मिनरल की इनटेक को पूरा करते हैं, मेंटेन करते हैं. डू नॉट मेक एग्जैजरेटेड अर्निंग क्लेम्स. कोई एग्जैजरेट करके अर्निंग क्लेम्स ना करें. आप क्लियरली किसी को बताएं कि आपके एफर्ट्स आपको यहाँ पे रिवॉर्ड्स देंगे, आप जितना एफर्ट करेंगे उतना रिवॉर्ड देगा. कंपनी कोई भी अर्निंग क्लेम नहीं देती. डू नॉट सेल योर प्रोडक्ट्स. अपने प्रोडक्ट्स को कहाँ सेल नहीं करना जी, हाई स्ट्रीट शॉप्स में, नॉर्मल बड़ी बड़ी शॉप्स, शोरूम्स, कन्फेक्शनरी, इस तरीके की शॉप्स में सेल करना बिल्कुल लीगल नहीं है. ऑन एनी ऑनलाइन वेबसाइट, किसी भी ऑनलाइन XYZ वेबसाइट पे अपने प्रोडक्ट्स को हम नहीं सेल कर सकते. आप अपनी किसी डाउनलाइन को भी अपने प्रोडक्ट्स सेल मत कीजिए. उनको बोलिए कि आप खुद अपनी ID बनाइए और उससे ID से 10-15% डिस्काउंट अवेल करके ही आप प्रोडक्ट लीजिए, या फिर किसी और के डाउनलाइन को बिल्कुल प्रोडक्ट सेल नहीं करने, बिल्कुल भी प्रोडक्ट सेल नहीं करने आपने. This tantamounts to stealing from your colleagues. कुछ भी ऐसे नहीं करने आपने जिससे क्या हो, आपका बिजनेस खराब हो. When filling in your FBO application या फिर order form, जब आप अपना order form या फिर RDO जाके order form place कर रहे हैं, online तो चीजें आसान है, अगर आप RDO जाके online ऑफलाइन ऑर्डर फॉर्म प्लेस कर रहे हैं तो मेक श्योर करें इंग्लिश यूज करें लैंग्वेज और कैपिटल लेटर्स में ही सब कुछ लिखें और एक वैलिड फोन नंबर एंड ईमेल मेंशन करें जिसपे फ्यूचर में फॉरएवर आपको कॉन्टैक्ट कर सके. फिनिश ऑल योर क्वालिफिकेशन बाय 15th ऑफ द मंथ. जो भी आपकी मिनिमम बेसिक सुपरवाइजर्स एंड अबव की क्वालिफिकेशन रहती है वो सभी 15th ऑफ द मंथ को क्वालिफाई कर लें, क्लियर कर लें. और अपना 1 CC जो सुपरवाइजर्स एंड अबव, सभी आपको पता ही है 1 CC जो करना होता है आपको, वो 5th ऑफ एवरी मंथ को आप अपना कंप्लीट कर लीजिए, यूज एंड शेयर वाला. यू विल हैव मोर टाइम फॉर योर बिजनेस. जब आप 5 को अपना 1 CC कंप्लीट कर लेंगे तो आप अपनी टीम्स को, डाउनलाइंस को ज्यादा टाइम दे सकते हैं. डायरी, आउटलुक, टास्क, पोस्टेड नोट्स, फोन कैलेंडर्स, रिमाइंडर्स, हाँ ये चीज आपको बहुत हेल्प करेंगी अपने टारगेट्स को, अपने गोल्स को, मंथली को अचीव करने में. ऑल्सो FLP 360 को जरूर साइन अप करें. अगर आपका नेटवर्क ग्रो हो रहा है तो आपके लिए FLP 360 बहुत अच्छी ऐप बन सकती है. आप अपने डाउनलाइन में भी चेक कर सकते हो कहाँ कहाँ क्या बिजनेस हो रहा है, ठीक है ना. FLP 360 एक पेड ऐप रहती है, कोई भी ले सकता है जिनके टीम के नीचे अच्छा नेटवर्क बिल्डअप हो रहा है. टीच एवरीवन टू डू द सेम, जो चीजें मैंने अभी आपको पीछे बताई आपने अपनी डाउनलाइंस को भी यही चीजें सिखानी है. When making payments for any purchases, जब भी आप फॉरएवर के साथ कोई भी परचेज कर रहे हैं प्रोडक्ट की तो डिपॉजिट ऑल द पेमेंट्स इनटू FLP के बैंक अकाउंट होंगे. आप FLP को ही डायरेक्टली अपनी पेमेंट सबमिट करें बिकॉज दिस इज अ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री. यहाँ पे कोई मिडलमैन थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है. किसी इंडिविजुअल के बैंक अकाउंट में बिल्कुल शेयर मत करें, आप फिर बाद में प्रॉब्लम में आते हैं जी वो मेरा फोन नहीं उठा रहा, ऐसे हो रहा है. आप खुद ही क्या कीजिए, डायरेक्टली कंपनी के साथ ही डील करिए. इन्वेस्टमेंट, कई लोग बोलते हैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है. इफ एनीवन आस्क यू टू इन्वेस्ट मनी और ऑफर्स यू टू एन FLP, कोई है ना किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट ऑफर करता है तो कंपनी को तुरंत इस चीज के बारे में इन्फॉर्म करिए. कंपनी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट करती है जी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट और कोई मनी स्कैम का पार्ट नहीं बनने देगी कंपनी आपको. जैसे ही आपको पता लगे अपनी अपलाइन को फिर या फिर कंपनी को इमीडिएटली इन्फॉर्म करें.
याद रखिएगा, दिस इज योर बिजनेस, ये किसी और का बिजनेस नहीं. आप जिस तरीके से इसको बिल्ड करेंगे ये वैसा ही आपको ये रिवॉर्ड देगा. यू हैव टू लर्न ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ योर बिजनेस, यू हैव टू टीच एंड ट्रेन योर टीम द सेम. अगर आप अच्छे से साफ सुथरा एथिकल बिजनेस करेंगे तो डेफिनेटली आप अपनी डाउनलाइंस को भी वही सिखा सकते हैं. इफ यू मोटिवेट मी बट डू नॉट ट्रेन मी, देन यू डू ऑल यू डू इज फ्रस्ट्रेट मी. मोटिवेट मत कीजिए, ट्रेन कीजिए, टीच कीजिए, नॉलेज दीजिए, वो ज्यादा हेल्प करेगा यहाँ पे. अटेंड सो टू मैनेजर ट्रेनिंग्स रेगुलरली बेसिस पे, सो टू मैनेजर ट्रेनिंग्स भी दी जाती है कंपनी की तरफ से. वो अपने न्यू प्रोस्पेक्ट्स के साथ डेफिनेटली अटेंड करे, वो आपको एक मैनेजर तक का रोड मैप तैयार करके देगी वो चीज. एक्शन प्लान, यू हैव टू डिसाइड व्हाट एंड वेयर यू वांट टू बी. आप अपने गोल्स लिखिए, व्हाट आर यू प्रिपेयर्ड टू डू, फिर क्या आप उसके लिए एफर्ट्स करने को रेडी है. गोल सेट कर लिया और एफर्ट्स नहीं सोचे तो भी प्रॉब्लम है. एक्शन प्लान कैसा होना चाहिए, डिसाइड कीजिए कहाँ पहुंचना है, व्हाट आर यू प्रिपेयर्ड टू डू, आपने क्या करना है उस चीज के लिए, व्हाई आर यू हियर, आप क्यों आए यहाँ पे, क्या आप टाइम पास के लिए आए, क्या आप एक सीरियस बिजनेस के लिए. अगर आप टाइम पास के लिए तो डेफिनेटली ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ये बिजनेस आपके लिए नहीं है, लेकिन अगर आप कुछ सीरियस बिजनेस करने आए हैं तो देन दिस बिजनेस कैन बी ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू. लेट जस्ट टॉक अबाउट सीरियस बिजनेस देन. इफ यू वॉक इन टू एन एम्प्टी शॉप, हाउ वुड दैट इम्प्रेस यू. सोचिए आप किसी शॉप के अंदर गए और शॉप के अंदर कपड़े नहीं है, शूज नहीं है, ग्रॉसरीज नहीं है, कुछ भी नहीं है, कन्फेक्शनरी नहीं है, स्टेशनरी नहीं है. आप शॉप के अंदर गए, आपको शॉप कैसी लगेगी, आप सोचेंगे इस शॉप के अंदर कुछ भी नहीं है, है ना, नॉट मच. आप सोचेंगे कुछ भी नहीं है इस शॉप के अंदर. लाइक वाइज यू हैव टू एबल टू हैव अ सीरियस बिजनेस. तो क्या आप एक प्रोडक्ट से, सिर्फ एक दो प्रोडक्ट को यूज करने से एक सीरियस बिजनेस बिल्डअप कर लोगे, डेफिनेटली नॉट, है ना. एक दो प्रोडक्ट्स यूज करके ही आप इस बिजनेस को नहीं बिल्ड कर सकते. एम्प्टी शॉप इज एम्प्टी बिजनेस. इस प्लीज चीज को ध्यान में रखिएगा कि आपको एटलीस्ट जो चीजें आप यूज कर रहे हैं उनको 4 क्वांटिटी में रखना चाहिए. अगर आप एक एलोवेरा यूज कर रहे हैं तो 4 अपने स्टॉक में रखिए, 1 फॉर पर्सनल यूज, 2 फॉर शेयरिंग एंड सेलिंग एंड 1 फॉर सैम्पलिंग. तो टोटल हो गई 4, है ना. हर प्रोडक्ट आपने 4 क्वांटिटी में रखना. अगर आप टूथ जेल रख रहे हैं तो 4 रखिए, अगर आप एलो जेली क्रीम रख रहे हैं तो 4 रखिए, अगर आप एवोकाडो सोप रख रहे हैं तो 4 रखिए. हर प्रोडक्ट को 4 की क्वांटिटी में रखिए, 1 फॉर पर्सनल यूज, 2 फॉर शेयरिंग एंड 1 फॉर सैम्पलिंग. The more you have, the more you sell, the more money you make. जितना आपके पास product होगा उतना ज्यादा share करोगे, जितना ज्यादा share करोगे उतना ज्यादा आप earn करोगे. Let us talk about serious business again. आपको यहाँ पे एक wholesaler बनना है as soon as possible. आप वो कर सकते हो अपना 2cc का business clear करके, क्योंकि उसके बाद आपको discounts मिलते हैं, उसके बाद आपका personal bonus मिलता है. You need to become assistant supervisor here. Purchase some products and literatures. कुछ product use कीजिए, कुछ sharing के लिए अपने पास रखिए. अगर आपकी empty shop है तो आपका business भी empty रहेगा. कुछ प्रोडक्ट्स एंड लिटरेचर को अपने पास रखिए ताकि फ्यूचर में आप उसको यूज कर सके, रीड कर सके. यू शुड हैव टूल्स फॉर योर बिजनेस. आपके टूल्स क्या हो सकते हैं, कंपनी पॉलिसी बुक एक आती है कंपनी की तरफ से मिलती है, या फिर आप खुद एलो स्टोर पे जाकर उसको बाय कर सकते हैं. एफपीओ एप्लीकेशन फॉर्म, बट अब ऑनलाइन ज्वाइनिंग हो जाती है. अब हमारी एप्लीकेशन के थ्रू ज्वाइनिंग है, दैट इज माई फॉरएवर इंडिया एप्लीकेशन, जो iOS एंड्रॉयड दोनों फोन्स के लिए है. एक योर अपलाइन बुकलेट होनी चाहिए, 4 स्टेप टू मैनेजर, सक्सेस लिंक और विजिटिंग कार्ड्स होने चाहिए, बिकॉज यू नेवर नो आप टैक्सी कैब ट्रेन कहाँ जाके किस इंसान को मिलेंगे, यू नेवर नो कौन आपका मैनेजर हो सकता है. तो आपको अपने पास विजिटिंग कार्ड्स रखने भी बहुत जरूरी है. ब्रोशर एंड प्राइस लिस्ट भी होनी चाहिए ऑलवेज, ताकि आप कस्टमर्स को भी दे सको उस चीज के बारे में. एक ऑर्गेनाइजर होना चाहिए जिसमें आप डेली आप अपने दिन को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और एक डिसेंट सा ब्यूटीफुल सा पेन होना चाहिए जिससे आप इस बिजनेस को किसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और एक फॉरएवर की प्रेजेंटेशन फाइल होनी चाहिए. सारी चीजें होनी चाहिए और फॉरएवर के ऑफिसेज, पिक्चर्स, प्रोडक्ट्स, मार्केटिंग प्लान की प्रेजेंटेशन फाइल होनी चाहिए आपके पास. यू शुड हैव टूल्स फॉर योर बिजनेस. आपके टूल्स क्या है, राइटिंग पैड. जब आप बिजनेस किसी को दिखाएंगे यू शुड हैव अ राइटिंग पैड. मोबाइल फोन एंड ईमेल एड्रेस आपकी होनी चाहिए. गुड ब्रीफकेस बैग होना चाहिए जिसमें आपके सारे बिजनेस टूल्स होंगे. ड्रेस इफ यू मीन बिजनेस. अगर बिजनेस वर्ड आपके माइंड में आया तो डेफिनेटली आपकी आंखों के आगे एक बहुत ब्यूटिफुल सा, बहुत प्रोफेशनल सा, बहुत बहुत ज्यादा अच्छा सा, एक बहुत सीरियस सा ड्रेसअप आया होगा. तो आप वैसा ही ड्रेसअप कीजिए जैसा आपके माइंड में बिजनेस वर्ड सुनते ही आता है. You are a professional and you are working for a professional company. तो उसी तरीके से act कीजिए please. And wear a smile. अगर आपके पास smile नहीं है तो definitely वो सामने वाले को आप impress नहीं कर पाएंगे. Plan and design your own future. Plan कीजिए. If you are not going to do this, you are planning to fail. अगर आपके पास plan नहीं है, design नहीं है, road map नहीं है, तो आप क्या कर रहे हैं जी? You are planning to fail. आप खुद ही plan कर रहे हो कि मैंने fail होना, क्योंकि आपने प्लान ही नहीं लिखा. सबसे पहले क्या करना है, असिस्टेंट सुपरवाइजर, सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर और मैनेजर, ये 4 लेवल्स की
लिखिए, बट भाई अपने रूम में पेस्ट अप कर सकते हैं आप, अपने एक बोर्ड पे पेस्ट कर सकते हैं, एक चार्ट पे पेस्ट कर सकते हैं इन चीजों को. क्या लिखना है जी? असिस्टेंट सुपरवाइजर, आई एम गोइंग टू डू असिस्टेंट सुपरवाइजर, सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर एंड मैनेजर, इन चार चीजों की डेट डेफिनेटली लिखिए. उसके बाद लिखिए आई एम गोइंग टू बी अर्निंग रुपीज दिस बाय दिस, इतना मैं मंथली इनकम इस डेट तक ले लूंगा, मेरे पास एक गोल आ गया काम करने को. एंड आई एम गोइंग टू कमिट डैश आवर्स पर वीक, मैं वीक के अंदर कितने आवर्स यहाँ पे कमिट करूंगा. अगर आप उतने घंटे नहीं दे रहे या फिर पर डे के आवर्स नहीं दे रहे, तो मैंने अभी ऊपर बोला यू आर प्लानिंग टू फेल, आप प्लान कर रहे हैं कि फेल होने की. लोग प्लान करते हैं सक्सेसफुल होने की, आप प्लान कर रहे हैं फेल होने की अगर आप ये चीजों को फॉलो नहीं कर रहे. आपका वीकली FLP टाइम कमिटमेंट होना चाहिए. मंडे को इतने टाइम दिया, ट्यूसडे को, वेंसडे को, थर्सडे को, फ्राइडे को, सैटरडे को, संडे को, 7 days का आपके पास टाइम होना चाहिए. मैंने किस दिन इस बिजनेस को कितना टाइम दिया. आपकी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? गिव एवरी वन ऑफ योर प्रेफर्ड कस्टमर्स दिस लीफलेट एंड दिस इज वॉट इट मीन्स, नो योर राइट्स एज अ कंज्यूमर ऑफ आवर प्रोडक्ट्स. ये सारी चीजें प्रोडक्ट्स के बारे में, पॉलिसी के बारे में, प्रोडक्ट को लेकर, उनके प्राइस को लेकर, वो सारी चीजों के बारे में कंज्यूमर के लिए ये सारी चीजें दी हुई हैं. अपने प्रेफर्ड कस्टमर्स को ये जरूर दें, ये आपकी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है. यू हैव टू प्रोटेक्ट योर बिजनेस, गलत लोगों से प्रोटेक्ट करें अपने बिजनेस को, प्रोटेक्ट योर कंपनी, कंपनी के ऊपर किसी भी तरीके की नेगेटिव, एक नेगेटिव दाग ना लगने दें. यू हैव टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ योर कंज्यूमर, कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट कीजिए, कंज्यूमर को राइट गाइडेंस दीजिए. यू हैव टू कम्प्लाई विद द लॉ ऑफ द लैंड, यू हैव टू कम्प्लाई विद द डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस. कुछ गलत तरीके से काम मत कीजिएगा जो कि डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के गाइडलाइंस को क्रॉस करे चीज. यू हैव टू नो एंड एंड अप्लाई रेक्सिस कंपनी पॉलिसी, जो फॉरएवर ने कंपनी पॉलिसी बनाई है उस चीज को आपने फॉलो करना है. यू हैव टू नो, यू शुड लेट ऑल योर कंज्यूमर नो द फॉलोइंग एंड टीच योर डाउनलाइंस टू डू द सेम. ये सारी चीजें आप खुद भी इंप्लीमेंट करें, अपनी डाउनलाइंस को भी सिखाएं. यू कैन विजिट योर कंज्यूमर्स ओनली विद योर कंसेंट, है ना, उनसे बात करके ही जाएं. यू मस्ट टेक एन अपॉइंटमेंट एंड शो देम योर FBO ID कार्ड, अपना गोल्डन कार्ड जो आपको असिस्टेंट सुपरवाइजर एंड अबव के बाद प्रोवाइड होता है, वो दिखा के ही आप किसी को बिजनेस दिखाएं या फिर प्रोडक्ट दिखाएं. Your consumer must be made aware of full information on the company products and marketing plan के बारे में अच्छे से समझाया जाए. That we are an MLM, हम एक network marketing company है, और वो as a consumer क्या rights hold करते हैं. हमारी website www.foreverliving.com के ऊपर know your rights and mandatory orientation के बारे में सारी चीजें mentioned है. अपने consumer को वहां से वो download करके जरूर पढ़ाए. An opportunity to log any customer grievances, price list, वहां पे सब कुछ है, ये चीजें price list वगैरह सब कुछ वहां पे provide होता है. Make it clear to your preferred customer that anyone selling our products, अगर retail के में shop, general store वगैरह पे मिल रही है, तो ये policies की violation हो रही है ना. कोई गारंटी नहीं मिलेगी ऐसे प्रोडक्ट्स पे जो मेडिकल स्टोर्स पे मिल रहे हैं, है ना, केमिस्ट शॉप्स पे मिल रहे हैं, जनरल स्टोर्स पे मिल रहे हैं, उन प्रोडक्ट्स की कोई गारंटी नहीं है. तो प्लीज आप अपनी लाइफ को रिस्क में ना डालिए. नो इनकम और मेडिकल क्लेम कंपनी, कोई इनकम या मेडिकल क्लेम नहीं करती. वी आर नॉट डॉक्टर्स एंड आवर प्रोडक्ट्स आर नॉट मेडिसिंस दैट कुड ट्रीट, क्योर, डायग्नोस और मिटिगेट एनी डिजीज और मेडिकल एलिमेंट. किसी बीमारी को कोई प्रोडक्ट ठीक करने के लिए नहीं है. एक प्रोडक्ट्स की, जब भी आप किसी को प्रोडक्ट देते हैं तो एक इशू करें उनको, एक रिसिप्ट फॉर प्रोडक्ट्स, कोई रिसिप्ट होनी चाहिए उसके लिए. फॉरएवर के RDO से एक बिल बुक मिल सकती है, आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हो उस बिल बुक को. डेफिनेटली उनको एक किस प्राइस पे आप प्रोडक्ट उनको दे रहे हैं जरूर मेंशन करें. रिटेन अ कॉपी फॉर फ्यूचर इंस्पेक्शन, फ्यूचर के लिए वो कॉपी को मेंटेन करें बाय द कंपनी और एनी गवर्नमेंट ऑफिशियल, कोई अगर चेक करना चाहे तो. डोंट ब्रेक द लॉ एंड जियोपार्डाइज योर फ्यूचर विद FLP. आप टेम्परेरी मत समझिए और प्लीज अपनी लाइफ को रिस्क मत कीजिए. Inform your preferred customer that there is no investment required. कोई investment नहीं चाहिए यहाँ पे. You only pay the price of the product. आपको कोई joining renewal की कोई fees नहीं. आप सिर्फ जो product लेंगे उसके पैसे दे रहे हैं, है ना. कंपनी के बैंक अकाउंट में ही डायरेक्टली पैसे डलवाएं, किसी FBO या किसी अपलाइन के अकाउंट में मत डलवाएं. कंपनी टेक्स फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनली फॉर द पेमेंट्स रिसीव डायरेक्टली इन इट्स बैंक अकाउंट. अगर कंपनी के अकाउंट में कोई डली हुई है ना, या फिर डिलीवरी हुई है कोई प्रोडक्ट की, या फिर कंपनी के अकाउंट में पैसे डले हैं, तो कंपनी उसकी पूरी गारंटी लेती है. एक्सप्लेन टू योर कस्टमर्स आर बायबैक पॉलिसी, उनके बारे में बताएं. नॉट सेटिस्फाइड, अगर हमारे प्रोडक्ट्स से आप सेटिस्फाइड नहीं है, यू आर फ्री टू रिटर्न द प्रोडक्ट्स टू यू विद इन 15 days. आप रिटर्न कर दीजिए और हम आपको
यू विल रिप्लेस देयर प्रोडक्ट्स लाइक फॉर लाइक, या तो आप उसी पॉइंट्स का उसी प्राइस के अंदर प्रोडक्ट्स को एक्सचेंज कर सकते हैं, या फिर हम आपको रिफंड भी कर सकते हैं. लेट देम नो दे आर फ्री टू रिपोर्ट एनी कंप्लेंट्स हमारी www.forever living.com पर. टेल देम दे आर फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चंस अबाउट मार्केटिंग प्लान या प्रोडक्ट्स. टीच योर टीम टू बी जस्ट लाइक यू, जैसे आप होंगे. आप बनिए लीगल, एथिकल एंड अ ट्रांसपेरेंट FBO. इंपॉर्टेंट है जी, दोबारा बता रही हूँ, ज्वाइनिंग FLP इज फ्री, द एप्लीकेशन फॉर्म और वो सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट बाय द स्पॉन्सर मिलता है. आपके गोल्स क्या है? व्हाट आर योर गोल्स? योर गोल्स आर योर लाइफ इंजन. अगर आपके गोल्स नहीं है तो आपकी लाइफ का इंजन ठंडा है. आर योर ड्रीम्स बिग इनफ? दीज गोल्स मस्ट बी योर ओन. आपके गोल्स होने चाहिए, किसी और के गोल्स नहीं होने चाहिए. दीज शुड बी योर गोल्स. अगर आपके गोल्स आपको एक्साइट नहीं करेंगे तो किसको करेंगे, है ना? वर्ड्स ऑफ विजडम फ्रॉम रेक्स मॉन, है ना? सर ने, रेक्स सर ने किस सोच के साथ इस चीज को स्टार्ट किया था? दैट इज ऑप्टिमिज्म. ड्रीम मोर देन अदर्स, थिंकिंग इज प्रैक्टिकल. आप बहुत बड़ा ड्रीम कीजिए, सर ने बोला. ऑप्टिमिज्म रखिए अपने ड्रीम्स के लिए, ऑप्टिमिस्ट रहिए, पॉजिटिव रहिए अपने ड्रीम्स को लेकर, है ना? परसेवरेंस, एक्सपेक्ट मोर देन अदर्स, और लोगों से कम एक्सपेक्ट कीजिए और खुद से ज्यादा एक्सपेक्ट कीजिए. कंपैशन, केयर मोर देन अदर्स, और लोगों से ज्यादा केयर कीजिए. कोई और आपकी डाउनलाइंस की केयर करे ना करे, आप खुद गुड अपलाइन बनके अपनी डाउनलाइंस की केयर कीजिए. उसके बाद डोंट फॉरगेट, डोंट एवर गिव अप. अगर आप यहाँ पे इस बिजनेस के अंदर, देर आर नो फेलियर्स, देर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल. द वन इज सक्सेसफुल पीपल एंड द अदर वन इज द क्विटर्स. देर आर नो फेलियर्स इन दिस बिजनेस, नेवर. राइट, आप बड़े से बड़े जो सक्सेसफुल हो गए आप इस बिजनेस के अंदर, व्हाई आर दे सक्सेसफुल? बिकॉज दे डिड नॉट गिव अप. उन लोगों ने गिव अप नहीं किया. उसी तरीके से आप भी गिव अप मत कीजिए. अंटिल एंड अनलेस यू डोंट गिव अप, यू विल बी सक्सेसफुल. रिमेंबर माय वर्ड्स, यू विल बी सक्सेसफुल. आपको बस राइट एक्शंस फॉलो करने हैं. जो जो मैंने आपको चीजें बताई आज, इंसेंटिव, मार्केटिंग प्लान, लेवल्स, प्रोडक्ट्स, ये इंडस्ट्री का स्कोप दिखाया, उन सब चीजों को याद रखिएगा, वो सब चीजें ध्यान में रखिएगा. ठीक है, तो मेरी तरफ से आज की ट्रेनिंग के लिए इतना ही. हेल्प कर पाई होगी मैं आपको आज लर्निंग के अंदर, फॉरएवर को और ध्यान से जानने के लिए, फॉरएवर को और क्लोजली देखने के लिए. राइट, सो मेरी तरफ से दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. आई विश यू ऑल अ ग्रेट फ्यूचर अहेड, एंड सभी को मेरी तरफ से एक ग्रेट ब्राइट फ्यूचर मिले फॉरएवर के अंदर. ऑल द बेस्ट टू एवरीवन.